एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम फेज वन के तहत 28 किलोमीटर सड़कों पर 38 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है और सड़कों की तकमील मुकम्मल हो चुकी है। रैप टू फेज टू के तहत 28 किलोमीटर की सड़कों की तामीर के 4 मंसूबों का आगाज कर दिया गया है और आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए 67 करोड़ रुपए की लागत से लिया से चौक आजम रोड को दोराया करने का काम तेजी से जारी है। लिया में शुगर सेस प्रोग्राम के तहत 40 करोड़ रुपए की लागत से फार्म टू मार्केट सड़कें मरम्मत की गई हैं और पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत 40 करोड़ रुपए की लागत से 167 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। आप जानते हैं कि यकसा तक की हमारा वीएन है, इसी वीएन के तहत असला के मैं दौरे कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान कर रहा हूँ। इसी वीएन के तहत लिया को बड़े शहरों के बराबर लाना चाहते हैं ताकि यहाँ के आवाम को एहसास महरूमी का इजाला किया जा सके और तब्दीली की इस वादे की तकमील नजर आए जो हमने आवाम से किया है। लिया के लिए खसूसी तौर पर 13 अरब 80 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट पैकेज तैयार किया गया है जिसमें 5 अरब 73 करोड़ रुपए की लागत से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और 5 अरब 74 करोड़ की नई स्कीमें शामिल की गई हैं। इसमें हायर एजुकेशन की 8, स्कूल एजुकेशन की 8, निकासी और फरामियात की 6, हेल्थ की। लिया में फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का क्याम यहाँ के आवाम का तहरीना मुतालबा था। पहले से मौजूद बहुत ही जकरिया यूनिवर्सिटी का कैंपस जो बहादुर कैंपस के नाम से मशहूर है यहाँ पर मौजूद है और बढ़ती हुई तालीमी जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी साबित होगा। पंजाब हुकूमत ने इसकी कमी को महसूस करते हुए एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के बनाने का ऐलान करता हूँ और इसकी एक्ट की तश्कील के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी जा चुकी है और 300 मिलियन रुपए की ग्रांट भी फ्राहम की जा रही है और इस पर मैं हलिया ने लिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवानों को उनकी दहलीज पर आला तालीम के मौके फ्राहम करने के लिए